Assalamu alaikum viewers, welcome to DOT. C language ke lecture number 18 mein aaj hum discuss karenge. Find the distance covered by a car formula is S equal to weight plus 1 slash 2 at square. Viewers, isko type karte hain for apne program ko. आपको पता है कि मैं प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके कुछ थोड़ा सा इसका पार्ट टाइप करके रखता हूँ. इसमें लाइक मैंने फर्स्ट वाइड मेन और इंक्लूड फाइल्स वगैरह एंटर कर दिए. अब मैं सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर करूँगा, इंटीजर ए कॉमा टी कॉमा वी आई. व्यूअर्स क्लियर? नाउ इसको बंद करते हैं. नेक्स्ट मैं ये फ्लोटिंग वैल्यू एक डिक्लेयर करूँगा, एफ एल ओ टी फ्लोट एस. क्लियर? नेक्स्ट मैं इसमें सी एल एस क्लियर स्क्रीन का सी एल एल आर एस सी आर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो. ए इक्वल टू जो इंटीजर डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5. वी आई की वैल्यू असाइन करने लगा हूँ 10. टी की वैल्यू असाइन करूँगा 50. एंटर प्रेस करता हूँ, एस की वैल्यू साइन करूँगा. एस इज़ इक्वल टू फ्लोटिंग वैल्यू जो हमारी है, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू इसलिए डिफाइन किया कि मे बी इसका रिजल्ट डेसिमल पॉइंट्स में आए और हमारी वैल्यू उसका वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी. ये है इसका फार्मूला कि हमने कावर्ड बाय अ कार फार्मूला निकालना और डिस्टेंस इसका देखना हो तो कार ने यानी कितना एरिया कवर किया और कितना उसने सफ़र किया और किस पे कितना ख़र्चा आया. लाइक इसमें यही आपके सामने है जिसमें मैंने इंटीजर ए डिक्लेयर किया, वी आई मैंने इस पर पुट की वैल्यू 10 और टे की वैल्यू पुट करके, ठीक है. इसके बाद में इसमें एंटर प्रेस करते हुए इसमें मैं प्रिंट एफ की कमांड प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ कॉलन यूज करेंगे, डिस्टेंस 10 कवर्ड इज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज डॉट 1f, क्लोज करता हूँ, कॉमा देता हूँ, एस ब्रैकेट बंद करूँगा, सेमी को एंटर कर दूँगा और इसके बाद मैं इसमें गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करूँगा. पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ. नाउ इस प्रोग्राम इज़ रनिंग. नाउ कैलकुलेशन द वैल्यू डिस्टेंस इज परसेंटेज ऑफ इफ 1f. नाउ इसमें फार्मूले में कहीं मिस्टेक्स हो गई है मुझसे, उसको दोबारा चेक करते हैं कहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया हूँ. एस वी आई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई यस. ये देखिए कि इसमें हमने ए की वैल्यू नहीं एंटर की, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ए यानी 1/2 को मल्टीप्लाई बाई ए भी करना था. अब हमारे पास रिजल्ट इसका प्रॉपर जनरेट होगा. मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल एफ़ नाइन. नाउ इज रनिंग. फिर अगेन इसमें एरर आया, क्यों आया फिर चेक कर लेते हैं. नाउ इसमें इंटीजर ए टी वी आई मैंने इसमें डिक्लेयर किया, फ्लोटिंग वैल्यू एस डिक्लेयर हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू ठीक है. क्लियर स्क्रीन मैंने इंटर की, ए की वैल्यू 5 पुट की, वी आई की 10 पुट की, टी की 50, एस इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई टी कॉलन डिस्टेंस. फार्मूले को चेक करते हैं, इसमें कोई मिस्टेक लग रही है मुझे. परसेंटेज ऑफ डी परसेंटेज ऑफ एफ लिखते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं क्या रिजल्ट देता है. नाउ इट्स क्लियर, ठीक है व्यूअर्स. नाउ ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है और आप इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं. इसको दोबारा देखते हैं व्यूअर्स, इसमें मैं परसेंटेज ऑफ एफ की जगह डी एंटर कर देता हूँ. चलें अब देखें इसमें क्या चेंजिंग आती है. 0
क्लियर व्यूवर्स, फिर अगेन नाउ मैं इसमें परसेंटेज को ख़त्म करते हुए इसको सॉरी परसेंटेज तो रहेगी, परसेंटेज के बगैर तो रिजल्ट नहीं जनरेट होगा। मैं इसको यहाँ से वन एफ चलें इसको रिमूव करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट जनरेट करके देखते हैं। देखिए सिर्फ उसने यही जनरेट किया, क्लियर हो गया व्यूवर्स, आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा इसमें आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग करके चेक करवाता हूँ। देखिए मैंने वन एफ एंटर कर दिया। अब मैं इसको दोबारा आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एफ नाइन नाउ। ठीक है व्यूवर्स, आपने इसमें चेक कर लिया परसेंटेज ऑफ एफ और डी लिखने का यहाँ पे हमने नहीं लिखा था। हम जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे उसका रिजल्ट हमें जनरेट कर दिया जाएगा। लाइक मैं इसमें एन एंटर करता हूँ, देखिए कोई रिजल्ट नहीं है परसेंट। ठीक है, अगर मैं इसमें डी एंटर कर देता हूँ तो इसका रिजल्ट आउटपुट हमारे पास ये आ गया। ठीक व्यूवर्स, नाउ इज क्लियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।